नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं इस वक्त दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में मौजूद हूँ और साथ ही हमारे भगवा रक्षा दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सर्वेश त्यागी जी। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सर्वेश जी, मैं आपसे पहला सवाल कर लेता हूँ, आपका जो भगवा रक्षा दल, जो आपका ये टीम जो बनी है, कब ये गठन हुआ, इसका कितना समय हुआ? इसका गठन वो 3.5 साल हो गए। 3.5 साल हो गए सर। तो 3.5 सालों में आप मतलब किस किस विजन में काम कर रहे हैं? देखो, इसमें अपने धर्म को आगे बढ़ाना, गो किसी भी धार्मिक जो है अपनी उसको उठाना जी, वो सामाजिक काम भी इसमें हम करते हैं। तो इसमें लगभग कितने लोग जुड़े हैं आपके संगठन से, इस भगवा रक्षा दल से? भगवा दल से तो हजारों लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, दिल्ली में ही 150-200 लोग हैं। अच्छा, तो आगे आगे आप क्या करना चाहते हैं इस भगवा रक्षा दल के, कैसे मोटिवेट, किस तरह इसको बढ़ाना चाहेंगे? देखो, हमारा मकसद है अपने धर्म को बढ़ाना, हमें दूसरे के धर्म से कोई नहीं, हम सबके धर्म की इज्जत करते हैं। बिल्कुल सर। पर हाँ, कोई हमें ही गाली देगा तो भाई उसका तो जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, वैसे हम किसी को धर्म को ना तो गलत बोलते हैं, हमें हमारा मकसद है अपने धर्म को प्रचार करना और उसको आगे बढ़ाना। तो मेन आपका आगे का क्या एजेंडा है, जैसे आपने भगवा रक्षा दल जो बनाया है, इसका आगे क्या एजेंडे हैं? इसके एजेंडे यही हैं कि भाई सब लोगों को जागरूक करा जाए और नई नई चीज़ें, जैसे हमने अभी कई काम करे हैं, पीछे जो पूजा सामग्री थी वो रोड किनारे फेंक देते लोग बाग, जी, जी, उसको उठा के विसर्जित कराया अच्छी तरीके से। अच्छा। और हनुमान चालीसा करवाते हैं मंदिरों में मंगलवार को, तो ये इस तरह के हम काम करते रहते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, जो आपका संगठन है कहाँ का फैला हुआ सर, किन किन राज्यों में? ये राजस्थान में है और मध्य प्रदेश में है, दिल्ली में है, यूपी में है, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, झारखंड में। ओके। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई वैसे? इसकी जयपुर से। जयपुर से शुरुआत हुई है। हाँ जी। तो इसके मेन कौन है सर, इसके जो मुख्य हैं? देवेंद्र शर्मा थे। देवेंद्र शर्मा जी थे। हाँ। दिल्ली अध्यक्ष भी कौन है? ब्रज किशोर त्यागी है। अच्छा, आपको जो भगवा रक्षा दल है, इसमें कितने संगठन से लोग जुड़े हैं बुराड़ी, अगर बात करें विधानसभा? इसमें हर पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं, इसमें कोई, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई इस पार्टी का नहीं जुड़ा उसका नहीं, जो मर्जी आओ जुड़ो, कोई मना ही नहीं है। और इसमें बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, आपके बहुजन समाजवाद पार्टी के भी हैं। अच्छा, इसमें हर राजनीतिक पार्टी जुड़ी हुई। हाँ, शिवसेना के भी हैं। ओके ओके। हाँ। अच्छा, बुराड़ी विधानसभा के बेसिक क्या मुद्दे सर, आज क्या क्या हालात है बुराड़ी में? बेसिक तो सबसे ज़्यादा गंदा पानी है। गंदा पानी है तो बिल्कुल। और दूसरा जाम का इतना बुरा है कि कई बार तो मैं कंप्लेंट कर चुका हूँ। अच्छा। हाँ, दूसरी बात यह है कि रोडों को खोद के छोड़ देते हैं, इसके पीछे भी मैंने आवाज़ उठाई थी अभी जी सर, तो उन्होंने कहा था कि हमें महीने का टाइम दीजिए, हम इसे बना देंगे, क्योंकि सीवर के लाइन क्लियर खोदते हैं फिर उसको बनाते हैं। अच्छा, तो यहाँ के विधायक सर आम आदमी पार्टी के संजीव झा जी, क्या उन्होंने कुछ काम किया इस बुराड़ी विधानसभा? देखो, काम तो थोड़ा बहुत किया, कर रहे हैं, पर काम करना एक अलग चीज़ है, उसे तरीके से करना अलग चीज़ है। सिस्टमेटिक नहीं हो पा रहा था। नहीं, अब जिस तरह आपने बताया जो सीवर की समस्या है, सीवर की समस्या है ये है, मतलब वो ही है कि अपने उस पर ध्यान है, उनको काम पे इतना ध्यान नहीं है। अच्छा, ध्यान नहीं सर। नहीं, तो सर आम आदमी पार्टी से आप क्या लगते हो, उम्मीद रखते हैं? जिस तरह अभी देखा आपने 45 करोड़ रुपये का जो CM आवास पे जो लगा है केजरीवाल पे, जिस तरह आरोप लग रहे हैं लगातार पार्टियां उसका विरोध भी कर रही है। देखो, ये तो एक बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि इतना पैसा रिनोवेशन के में लगाना, 45 करोड़ में तो बहुत होता है। बहुत, बिल्कुल बिल्कुल। एक मकान बनाते हैं, हमें भी पता है कि कितना खर्चा है, ये सब बहुत मोटा घोटाला है इसमें, और इसकी तो जाँच होनी चाहिए। तो बेसिक आपके जो भगवा रक्षा दल है सर, इसके मेन और आगे क्या प्लानिंग्स हैं, क्या आगे की आपने जो सोचा अपने दल के लिए? अभी इसकी तो मीटिंग होती रहती है, तो जैसे भी प्रचार वो हमारी मीटिंग में तय होता है, मीटिंग को उसको उस हिसाब से चल करते हैं। मीटिंग समय समय पर ऐसे कब कब होती है मीटिंग? महीने में एक मीटिंग तो जरूर होती है। अच्छा, तो क्या मोटिव क्या रखा जाता है उसमें? बीच में भी हो जाती है, अगर कोई भी समस्या अपनी होती है जैसे भी कोई भी, तो उसका हम कर लेते हैं। रक्षा दल से जुड़ने के लिए कुछ कहना चाहेंगे आपसे? मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी हिंदू भाई हैं, अपने हिंदुओं को अपने धर्म को जो है ना ऊंचा उठाएं, और जिसको भी आना चाहे आ सकता है, ना तो कोई पार्टी का है। बिल्कुल।
ना किसी जाति का है, ये एक हिंदू धर्म का संगठन है। तो इसमें अगर लोगों को जुड़ना हो तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर है आपको कोई जुड़ने का? हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर है, ये नंबर है इसमें 98 11 950 694। हम फेसबुक वगैरह पे भी डालते रहते हैं इस। ओके, आप एक्टिव हैं। हाँ ठीक है। तो यह हमारी सीधी बात सर्वेश त्यागी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।